समय चौधरी, वेलकम बैक टू समय किचन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। यार थोड़ा सा गला खराब है क्योंकि रमजान में लस्सी बहुत जोर जोश से पी है मैंने, तो इसलिए। और अल्हम्दुलिल्लाह 28 रमजान हो गया है, 28वां रोजा हो गया, और आपके साथ रमजान का पता ही नहीं चला डेली बेस से वीडियो अपलोड करते हुए। आज जो हमारी वीडियो है वो ईद के हिसाब से है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की फरमाइश थी कि कुछ स्वीट होना चाहिए, तो जैसे अचानक सडनली गेस्ट आ जाते हैं या ईद वाले दिन गेस्ट आ जाते हैं, तो हमें कुछ देने के लिए नहीं वो होता कि हम क्या दें, समझ नहीं आ रही होती। तो आज बनाएंगे उसके लिए कुछ स्वीट, और वो क्या होगी, वो चटपट बनने वाली है। ब्रेड देख लें, इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन कर लें पहले। रेसिपी के ब्रेड ले लिए मैंने साइड से, देख लें उसे कट करके, इस तरह पीसेस में कट कर लिया है। नशास्ता लिया है मैंने, अलारोट जिसे कहते हैं, 2 टेबल स्पून ड्राई फ्रूट वो है सॉरी खुश्क दूध है, मिल्क पाउडर 2 टेबल स्पून और कोकोनट 1 टेबल स्पून, और साथ हमने चॉकलेट सिरप ले लिया है और 1 कप मिल्क। इसके अलावा और कोई चीज़ इसमें शामिल नहीं होगी। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जैसे गर्म हो चुका है, आप हम ब्रेड के पीसेस इसमें डाल देंगे। इसमें लाइट ब्राउन कलर लेकर आना है हम लोगों ने, उसके बाद हमने जो खोया बनाया है वो इसके अंदर डालना है। हमें ब्राउन करके फिर आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप। ये देख रहे हैं नशास्ता मैंने सेपरेट दूध में मिक्स कर दिया है, अगर इसके अंदर मिक्स करेंगे तो ये अच्छा मिक्स नहीं होगा। अब मैं आराम आराम से इसमें शामिल करती हूँ, तो थोड़ा सा ठीक सा मेज़ा बन जाएगा, और इसके अंदर फिर हमारा जो खुश्क दूध है, मिल्क पाउडर वो यूज़ करेंगे, और उसके लास्ट में हम जो यूज़ करेंगे वो होगा कोकोनट पाउडर। बस अब हम इसे अच्छे से पका के फिर आपको दिखाते हैं। रेडी हो चुका है, इस वे में हमें चाहिए, इसे हम खोया भी कह सकते हैं, ठीक है। और ये देखने में बताती हूँ, ये इस तरह चेक कर लीजिएगा। अब इसमें शामिल करेंगे हम, अगर आप शुगर शामिल करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज क्योंकि हमारा जो मिल्क पाउडर है वो मीठा ही होता है, तो मैं ज़्यादा मीठा यूज़ नहीं करूँगी और इसमें कोकोनट यूज़ कर रही हूँ। ये सारा कोकोनट और मिल्क पाउडर इसमें शामिल कर देते हैं हम लोग, और इसे अच्छे से मिक्स करके इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। फिर करेंगे ब्रेड को फ्राई लाइट ब्राउन से कलर का, और जिस तरह बिस्किट होते हैं ना, तो वैसे हमने इसको बनाना है स्वीट को। अब दिखाते हैं इसे अच्छे से पका। हमारी दोनों चीज़ें रेडी हो चुकी हैं, ब्रेड भी मैंने ब्राउन कर ली है, और ये भी देख लें खोया भी बिल्कुल रेडी है। आप देख लीजिएगा किस तरह बनाना है इसे, आप स्पून की मदद से भी ले सकते हैं। मेरे पास कहते ना केक वाला था स्पून, तो मैं इसके मदद से इसके ऊपर लगाऊंगी अच्छे से। इसको ना 10 मिनट के लिए हम फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे इस तरह ना। ये मैं वाइट ही यूज़ करूँगी, अगर आप करना चाहें तो चॉकलेट वाला भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इधर से एक लेंगे इस तरह इसकी, ये देख लें इस तरह बना के हम इस तरह रखती हूँ, और मैं सारे इस तरह बना के फिर आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह देख लें हमारे जो स्वीट कुकीज़ हैं, इसे आप कुकीज़ कह सकते हैं, ब्रेड की बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। और ये स्पेशल ईद डे के लिए है कि आप गेस्ट को सर्व करें चाय के साथ या कोक के साथ, किसी भी जूस के साथ। ये देख लें, आप चेक कर लें, मैं आपको 1 बाय 1 दिखाती हूँ। ये फ्रिज में रख दीजिएगा, ख़राब नहीं होगी 1 वीक तक। ये देख लें कलर देख लें, ये मैंने सारी जो है वाइट की बनाई है, और ये जो थी एक चॉकलेट की मैंने बना के आपको दिखा दी। इस तरह बना के आप बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं, वैसे भी गेस्ट को सर्व कर सकते हैं, घर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी, और आपको ये कैसी लगी रेसिपी मुझे फीडबैक दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।